हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अभी हमारे साथ हैं CSAM यानी कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सिबिन, बेसिकली कब एडमिशन हुआ तुम्हारा? 2020 बैच के। तो अभी तुम्हारा लाइक सेकंड ईयर चल रहा है? हाँ, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो CSAM और बाकी ब्रांचेज में क्या डिफरेंस है, लाइक CSE से किस तरह से डिफरेंस है? CSAM लाइक CSE से काफ़ी सिमिलर है, बस फ़र्क इतना आता है कि हमें थोड़ी मैथ्स कोर्स ज़्यादा करनी पड़ती है और हमारा जो मैथ्स कोर्स होता है वो थोड़ा एडवांस होता है। लाइक अच्छा। हमें बेसिकली प्रूफ बेस से स्टार्ट करना पड़ता है हर चीज़। लाइक अच्छा। नॉर्मली बाकी ब्रांचेस में जो मैथ्स कोर्स होता है वो लाइक कैलकुलेशन बेस्ड होता है, उन्हें सिर्फ लाइक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करना पड़ता है, लेकिन हमें पहले उसका प्रूफ करना पड़ता है और उसके बाद हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। तो जैसे क्या होता है कि अभी जब तुमने एडमिशन लिया होगा तो ये सोच के लिया होगा ना कि कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। हाँ। कंप्यूटर साइंस की चीज़ें सीखनी है, कोडिंग सीखनी है। तो क्या उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है, लाइक कोडिंग वगैरह सीखने में दिक्कत होती है या टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए, ऐसा कुछ होता है? अभी फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर तक तो लाइक सिमिलर ही चलता है CSE के साथ, तो लाइक जो उनका चल रहा है हमारा सेम ही है, तो कोडिंग में इतनी कोई फ़र्क नहीं आती। लेकिन अभी आगे जाके थोड़ा डिफरेंस आएगा कि लाइक CSE वालों को ज़्यादा टाइम मिलेगा कोडिंग में। अच्छा। हमें थोड़ा मैथ से फोकस करना पड़ता है। और लाइक तो और जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती हैं लाइक मैथमेटिक्स के लिए, कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? लाइक अगर आप फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो उसमें जा सकते हो। लाइक CSAM वाले मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर इन सब में लाइक CSAM वालों की बहुत डिमांड रहती है। और लाइक जैसे जो नॉर्मल अपॉर्चुनिटी मिलती है CSE वाले बच्चों को, तो क्या तुम्हें भी वो सेम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या उससे कम मिलेंगी? हमें CSE जैसी सेम अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी और एक्स्ट्रा ही मिलती है कभी कभार। लाइक डेटा साइंस वगैरह में CSAM को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके सो एब्सोल्युटली मतलब बताइएगा कि जैसे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार CSAM लेंगे या CSE लेंगे, तो अगर कोई बंदा चूज़ करता है तो अगर मैथमेटिक्स आपको पसंद है और लग रहा है कि यार इस फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड से रिलेटेड कुछ बनना है, तो यार CSAM लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो तुम्हारा पर्टिकुलर रीज़न क्या था CSAM लेने का? CSAM लेने का मेरा एक्चुअली लाइक बिफोर कॉलेज JEE के टाइम से ही मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। मेरे को मैथ्स बहुत पसंद था, तो एक तो ये रीज़न था और दूसरा लाइक मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइक इस फील्ड में मुझे थोड़ा वर्क करना था। अच्छा। तो इसलिए CSAM लिया था। तो यार काफ़ी रेयर बच्चे में मिले जिनको मैथ्स पसंद है। मतलब किस तरह की जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हो, लाइक किस तरह की जॉब करना चाहते हो? लाइक मैंने सोचा था कि लाइक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह में थोड़ा ट्राई मारने के लिए। अच्छा। तो इसलिए इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है हमेशा। अरे वाह। तो अब घर वालों ने जब तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे यहाँ पे ब्रांचेस के? मेरे पास CSE और CSAI छोड़ के बाकी सारा ऑप्शन था। अच्छा। तो मेरे पास लाइक बेस्ट ऑप्शन वो मेरे पास CSAM ही था। अच्छा, तो इसलिए अच्छा। मैंने लिया। तो सही है यार, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स लिए। जनरली जिन लोगों से अभी तक हमने बात करी है उन्होंने बेसिकली अपने इंटरेस्ट को प्रेफर किया है अपने बेसिकली जो उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में और वो मिल रहा है, तो विदाउट वरिंग अबाउट कि अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी ज़्यादा मिलेंगी, आप उसको प्रेफर करो, बिकॉज आपको 4 साल उसके अंदर बिताने हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा ही होगा। तो थैंक यू सिबिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंटरव्यू। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक कि बस जो तुम्हें इंटरेस्ट होगा उसमें उस फील्ड को प्रेफर करना। लाइक ये नहीं कि इसमें प्लेसमेंट ज़्यादा है इसमें प्लेसमेंट कम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास टैलेंट वगैरह है, अगर तुम वर्क कर सकते हो, तो एनी ब्रांच इज़ बेटर। थैंक यू सो मच।